दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिलवाल। अभी कुछ वक्त पहले जब एक पान मसाले के एड में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को देखा गया था तो बहुत आलोचना हुई थी। अक्षय कुमार को तो लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया था कि उन्हें लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ गई थी कि गलती हो गई उनसे, ऐसा वो दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी ही ट्रोलिंग का सामना अमिताभ बच्चन को भी करना पड़ा था पान मसाले का एक ऐड करने में। लेकिन ये मामला दोस्तों अब ट्रोलिंग से आगे बढ़ गया है क्योंकि सरकार ने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को थमा दिया है पान मसाला मामले में नोटिस। जी हाँ, ये खबर देखिए जिसमें साफ लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ की अवमानना याचिका पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है कि पान मसाला के एड मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को बकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों इसी मामले में केंद्र सरकार के वकील ने कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए याचिका खारिज कर दी जाए और इस मामले में अब अगली तारीख दी गई है 9 मई 2024 का। दोस्तों ये पूरा मामला शुरू हुआ था जब एक अधिवक्ता ने तीनों ही शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के एक साथ पान मसाला के एड में दिखने के बाद आपत्ति जाहिर करते हुए याचिका डाली थी कोर्ट में, कहते हुए कि ये जो स्टार्स का पान मसाला का एड है युवाओं के लिए सही नहीं है। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कहा था कि सितारों को ऐसा करना लोगों को भ्रमित करना जैसा है। दोस्तों ऐसे ये बात कही जाती है कि युवा क्या सिर्फ फिल्म स्टार से ही प्रेरित होते हैं, ऐसे बहुत सारी हमारी समाज में बुराइयां हैं जिनका हमारे स्टार्स न तो ऐड करते हैं ना प्रमोशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे स्टार्स जो एक पीढ़ी को इंस्पायर करते हैं, खासतौर पर शाहरुख खान जो जिनकी छवि एक भारत के सबसे बड़े स्टार के एक ब्रांड के तौर पर है, वो अब करियर के इस पड़ाव में, उम्र की इस दहलीज में पान मसाला का ऐड करते हुए वाकई में अच्छा नहीं लगता। ऐसा भी नहीं है ना कि ये स्टार्स कोई बहुत भयानक नुकसान या लॉसेज में है, पैसे की कोई कमी नहीं है, चाहे अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो या फिर शाहरुख खान। आप खुद सोचिए, एक नैतिक जिम्मेदारी तो इन स्टार्स की भी बनती है ना। जिस समाज ने इनको इतना कुछ दिया है वो उस समाज को कम से कम पलट के पान मसाला का ऐड तो ना दे। कल को किसी घर का बच्चा पान मसाला खाएगा, उसकी मम्मी उसे टोकेगी तो वो तो कह देगा शाहरुख खान भी तो खाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।